अब दूर हो जाओ, चलो भैया एक बार शांति। भजन जी भाई साहब, एक बड़ा मैसेज दिया है आप लोग मुख्यमंत्री पद के लिए चुनकर। भैया रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, भैया एक मिनट रुक जाओ, अब एक मिनट रुक जाओ। हाँ भाई साहब बताओ, एक बड़ा मैसेज दिया है। देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को धन्यवाद देता हूं, माननीय हमारे गृह मंत्री सम्मानीय अमित शाह जी को धन्यवाद देता हूं, देश के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, मैं हमारी यहां की पूर्व मुख्यमंत्री राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, प्रदेश के अध्यक्ष सीपी जोशी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, हमारे प्रभारी सम्मानीय अरुण सिंह जी को देना चाहता हूं, माननीय हमारे चुनाव के प्रभारी प्रहलाद जोशी जी को देना चाहता हूं, हमारे जो पर्यवेक्षक आए थे माननीय महामंत्री विनोद तावड़े जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, सरोज पांडे जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, और उन तमाम सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने राजस्थान में एक एक कार्यकर्ता ने जिस तरह की मेहनत करते हुए भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत दिया है, उन सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, और मैं केंद्रीय प्रदेश नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरे जैसे छोटे से एक संगठन के कार्यकर्ता को जो सम्मान दिया है, इसके लिए मैं उन सभी को और राजस्थान के जो मेरे सभी कार्यकर्ता हैं, लाखों कार्यकर्ता हैं, उन सबको मैं नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि मेरे जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता को ये सेवा का मौका दिया है। मैं सभी का अभिनंदन और धन्यवाद। भाजपा में ये संभव है भजन लाल जी? एक छोटे से देखिए, एक छोटे से कार्यकर्ता को बड़े स्तर पर ले जाया जाता है। भैया एक बार रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, देखिए ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर कहीं कोई ये संभव है, ये अगर संभव है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के अंदर। भारतीय जनता पार्टी एक एक कार्यकर्ता, एक एक ऐसा कार्यकर्ता जो जमीन से जुड़ा कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता का ध्यान रखती है, ये अगर संभव है इस तरह से तो भारतीय जनता पार्टी। अब प्रदेश में जो आपने बात कही थी।